3 अप्रैल की सुबह हुए मुठभेड़ के बाद जिस तरीके से 22 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद उसी मुठभेड़ में जो राकेश सिंह मनहर है उस जवान की नक्सलियों ने अपहरण कर ली थी। उस जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आज हम मौजूद हैं इस जगह पर जहां पर नक्सलियों ने आज उन्हें रिहाई दी है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर मध्यस्थता के लिए सरकार और पुलिस को एक बात कही थी, जब वो मध्यस्थता की टीम यहां पहुंचेगी उसके बाद उस जवान को रिहाई दी जाएगी। उस मध्यस्थता के लिए जो टीम आई हुई थी, उस टीम के जो लीड कर रहे थे, मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं धर्मपाल सैनी जी हैं, वे दो लोगों की टीम बनी हुई थी, और गोंडवाना समाज के जो बोरैया जी हैं वे भी यहाँ पर थे। हम सैनी जी से जानेंगे कि उस टीम के लिए वो पहुँचे थे और किस तरीके की रणनीतियाँ पहले से थी। सैनी जी बताएंगे कि आपको क्या पता था, आप इस जगह पर जो जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आए हुए हैं, क्या आप जानते थे और कैसे रूट चार्ट तैयार किया गया था? सैनी जी, मुझे जो बताया गया था ये कि जो जवान गिरफ्त में आ गए हैं उनके लिए मध्यस्थता की वार्ता करने की आवश्यकता पड़ेगी और मध्यस्थता के लिए आवश्यकता पड़ेगी, पर ये मेरी बातचीत होने में मुझे 1.5 दिन लग गया। लेकिन जब मुझे अखबारों से सबसे मालूम पड़ा कि मुझे जो जवान उनके साथ हो गए, उनको पकड़ लिए गए हैं, उनके बारे में मध्यस्थता करनी है, तो मैंने सैर से अपनी अनुमति प्रदान की और फिर कल हम लोग निकले और निकल कर यहाँ तक आज आप लोग साथ में पत्रकारों के साथ में यहाँ तक आए। और मुझे ये जानकर के ये दृश्य देख करके अच्छा लगा कि जो विश्वास दिलाया गया था कि मध्यस्थता अगर होगी तो हम लोग छोड़ देंगे, वो विश्वास पूरा हुआ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जो भाई राकेश जी हैं वो बहुत एक तरह से चिंतित हैं अपने परिवार के लिए, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मुक्त होकर के अपने परिवार से बातचीत करना चाहेंगे, ऐसा वातावरण को जल्दी से मिल जाना चाहिए। सैनी जी, बिल्कुल आज एक ऐतिहासिक दिन है, बात करें तो अपन जिस तरीके से राकेश्वर सिंह जी को नक्सलियों ने रिहा किया है, क्या आपको पता था कि आपके साथ मीडिया की टीम आएगी और आपको मीडिया के लोग यहाँ पर लेके आएंगे, आप किस तरीके से जाएंगे, एक डर सा था होगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम था पहली बार नक्सलियों से मिलना है। नहीं, मुझे ये टीम आएगी ऐसा तो मुझे अंदाज नहीं था, मुझे अंदाज था कि गांव के लोग मुझे लेके जाएंगे। तो ये थे धर्मपाल सैनी जी जो पद्मश्री हैं, और ये मध्यस्थता के लिए जो सरकार ने टीम गठित की थी उसको ये सैनी जी जो थे वो लीड कर रहे थे। देखा जिस तरीके से इस जगह पे हम मौजूद हैं और इसी जगह से आज देख सकते हैं कि राकेश्वर सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं। मेरे दाईं ओर अगर आप देखेंगे, ये जो 20 गांव के सैकड़ों जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे इसलिए बैठे हुए हैं कि राकेश्वर मनहर जो है उनकी रिहाई यहाँ पर नक्सली दे रहे हैं। मैं अपने साथी को बोलना चाहूँगा कि दिखा सकते हैं आप उस तरफ, जो नक्सली हैं वो यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि हमने जवानों को, जो राकेश्वर सिंह जवान था उन्हें हम रिहा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त बंसल न्यूज़ पर, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ नक्सली भी मौजूद हैं भारी मात्रा में, और यहाँ पर नक्सली उस जवान को रिहाई दे रहे हैं। 3 अप्रैल की सुबह जब माओवादियों द्वारा मुठभेड़, जूना जो जीरा गांव में जो मुठभेड़ चल रही थी, उस मुठभेड़ में जो जवान थे राकेश्वर सिंह जो जवान थे उनका नक्सलियों ने वहां से उनको अगवा किया था। इस वक्त हम उसी गांव पे जहां पर मौजूद है जहां से राकेश्वर सिंह जी को नक्सलियों ने रिहा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण है, ग्रामीणों का यहाँ पर सैलाब सा है, देख सकते हैं कि 1000 से 2000 की संख्या में यहाँ पर जो है पूरे ग्रामीण आए हुए हैं। वो इसलिए आए हुए हैं कि जो राकेश्वर सिंह मनहास है, जो कश्मीर के रहने वाले हैं और CRPF 210 कोबरा बटालियन के वे जवान हैं जिनकी नक्सलियों ने अपहरण किया था। अब इस वक्त यहाँ पर नक्सलियों ने जिस तरीके से उनको अपहरण किया था, और इसी जगह आज वो सभी ग्रामीणों के सामने उस जवान
किसान को रिहाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ग्रामीण मौजूद है और मेरे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि राकेश्वर सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। राकेश्वर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने 6 दिन तक मछलियों के कब्जे में रहा, किस तरीके से आपने वहाँ की चीज़ों को देखा और समझा, और क्या आपके साथ ऐसे कुछ मारपीट या ऐसी कोई चीज़ें उन्होंने की क्या? मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं, क्योंकि मेरी आंखों में पट्टी था और मेरे साथ किसी ने मारपीट और कुछ ऐसे बर्ताव किया नहीं। राकेश सिंह जी, आप इस वक्त ये ऐतिहासिक पल है कि नक्सली यहाँ से आज आपको रिहा कर रहे हैं वो, और आप आज हमारे साथ बंसल की टीम के साथ आज अपने घर पहुँचेंगे। आज हम आपको सुरक्षित आपके घर तक, वहाँ जो बीजापुर हेडक्वार्टर है वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे। क्या कैसा लग रहा है राकेश जी, आपको बताएंगे? ठीक लग रहा है मेरे को आज। तो देखा आपने, सुना राकेश मनहर जी किस तरीके से खुशी में है कि उनके शब्द यहाँ निकल नहीं पा रहे हैं, कि जिस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी राकेश्वर मनहर जी की, कि जिस तरीके से वे एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए इस वक्त बंसल न्यूज़ के साथ बने हुए थे। बंसल न्यूज़ की जो पूरी टीम थी वो बनी हुई थी और हम लगातार 3 दिनों से कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द राकेश्वर मनहर जी की रिहाई हो जाए। मैं बता दूं, जिस तरीके से बीजापुर में 4 पत्रकारों की टीम बनी हुई थी, उस टीम में जो पत्रकार थे, हम 4 पत्रकार 3 दिन से लगातार माओवादियों के कांटेक्ट में रहे, माओवादी हमारे कांटेक्ट में रहे, कि किस तरीके से एक मैसेज आए और जवान मनहर जो राकेश्वर जी है उन्हें रिहा दी जाए। और इस वक्त एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, आपने राकेश मनहर जी को भी देखा और इस वक्त हम इस गांव में मौजूद है और इस वक्त यहां से राकेश्वर मनहर जी को यहां से नक्सलियों ने रिहाई दे दी है।